हाय देयर, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं शहनाज़ अंसारी फिर से वेलकम करती हूँ आप सबका मेरे चैनल पर, जो है शहनाज़ अंसारी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस पर। ओके, तो आज मैं थोड़ा सा खुश हूँ। वैसे तो रोज़ ही रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बट आज मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और खुश भी हूँ। वो पता है क्यों? क्योंकि मैं हमेशा से ये कहते आती थी कि हम सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे। तो आज मैं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाने वाली हूँ जी। और आप लोग से ज़्यादा मुझे आज एक्साइटमेंट हो रही है कि चलो थोड़ा ही सही हम सेंटेंस फॉर्मेशन की तरफ आ ही गए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि अरे अब तो हमने इतना सीखा भी नहीं, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगा, क्या होगा। डोंट वरी, एज़ हमेशा मैं कहती हूँ, आई एम देयर फॉर यू। ओके, तो सिर्फ सुनिए, समझिए और आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आराम से इजीली आप खुद कर पाएंगे। ओके, तो देखिए स्टार्टिंग से लेकिन अब तक जितने भी मैंने अब तक वीडियोस बनाए हैं, ज़्यादा वीडियोस नहीं हुए, कुछ 4, 5 या 6 हुए होंगे, उसी को बेसिस पे, उसी को लेकर हम सेंटेंस बनाएंगे। ये जो आज सेंटेंस बनाने में आपको बता रही हूँ वो बहुत छोटे छोटे होंगे, सिंपल सेंटेंस। जाहिर सी बात है, छोटे छोटे स्टेप लेकर ही हम बड़े स्टेप पे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये छोटे छोटे सेंटेंस बना लोगे तो आपको खुद को एक फीलिंग होगी कि हाँ हम सेंटेंस बनाने लगे हैं, अब हमको सेंटेंस बनाने की टेक्निक समझ में आई है। ठीक है, तो जितना हमने सीखा है उसी की बेसिस पे होगा, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी उतना सीख चुके हो, सिर्फ आपको उसी को ही रख कर सेंटेंस फॉर्म करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल मैं कहती हूँ बुक पेन रेडी, और सेकेंड थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, माइंड खोल के और क्लियर रख के सुनिए। ठीक है, प्लीज़ माइंड खोल कर क्लियर रख के सुनिए, और जो भी मैं बीच बीच में आपको बोलती जाऊँगी उसको आप नोट डाउन ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन के कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको भी सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी, छोटे छोटे जो होते हैं ये रूल उसके लिए जाते हैं। और भी बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं तो ये जो वर्ड्स आप डालोगे सेंटेंस में ये आगे पीछे होंगे, बट वो वहाँ जाने के लिए अभी हमारे पास बहुत टाइम है। फिलहाल छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस मैं आपको बताने वाली हूँ, उसके रूल्स अगर एक बार आपने दिमाग में फिट कर लिए तो आप छोटे छोटे सेंटेंस खुद बना सकते हो। अब वो रूल क्या है प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, वैसे तो मैं बोर्ड में लिख दूंगी आपको, लेकिन अभी भी आप नोट डाउन कर लीजिए, उसको ध्यान में रख के सुनिए। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन के रूल क्या है जो मैं आपको बता रही हूँ और जो मेरे हिसाब से है। ठीक है, ओके, तो देखिए सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब आप कहोगे मैडम सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या नया आप बोल रहे हो, समझाती हूँ, सुनिए। देखिए सेंटेंस हम किसी के ऊपर बात करते हैं, जब भी हम कोई बात करते हैं आपस में किसी से भी, हम किसी के ऊपर ही बात करते हैं या अपने ऊपर बात करते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ को लेकर ही हम बात करते हैं, तो जिस पर आप बात कर रहे हो, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई भी हो, जिस पर वो टॉपिक चल रही है, जिस पर आप वो बात कर रहे हो, वो सब्जेक्ट हो गया और बाकी का पीछे का पूरा प्रेडिकेट। अब आप प्रेडिकेट को हटा के सिर्फ सब्जेक्ट को माइंड में रखिए। ठीक है, मैं आपको इजी वे से बता रही हूँ, आप सिर्फ सब्जेक्ट को माइंड में रखिए कि जिसके ऊपर हम बात करते हैं वो है सब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी मम्मी खाना बना रही है, जैसे आपको एग्ज़ाम्पल्स में वही सेम रिपीट करती हूँ आप लोग के इजी के लिए। माई मदर इज़ कुकिंग फूड, ये सेंटेंस बन गया। अब ये सेंटेंस पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ये सेंटेंस किसके ऊपर है, हम किसकी बात कर रहे हैं, माई मदर के ऊपर, मेरी मदर के ऊपर। तो माई मदर हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब और हम ले लेते हैं शी विल गो टुमारो, वो कल जाएगी। अभी बात किस पे हो रही, पर्टिकुलर गर्ल पे हो रही है। ठीक है, वो शी है, गर्ल है, हम बोल रहे हैं कि वो कल जाएगी, तो ये वो सब्जेक्ट क्या हो गया, शी, हम शी पे बात कर रहे हैं। ठीक है, आई विल राइट माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करूँगी। अब वो किसके ऊपर बात कर रहे हैं हम, आई पे, मेरे पे, तो आई हो गया सब्जेक्ट। समझ में आया आपको, जिसके ऊपर भी बात होती है, जैसे कि और बताती हूँ, द डॉग इज़ बार्किंग वेरी लाउडली, डॉग, अभी किसके ऊपर सेंटेंस बन रहा है ये, द डॉग पे, तो हम डॉग के ऊपर बात कर रहे हैं, तो डॉग हो गया सब्जेक्ट। गॉट इट, तो सब्जेक्ट है जिस पे हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, आप अपने दिमाग में इसको फिट कर लीजिए, एक पॉइंट सब्जेक्ट का हो गया जो मैं आपको रूल बताने वाली हूँ। ओके, जब हम सेंटेंस बनाते हैं सिंपल सा सेंटेंस, तो उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। ठीक है, अब उसके बाद
क्या आएगा? टेंस। सब्जेक्ट के बाद आप टेंस को रखोगे। अब वो टेंस क्या है बताया था आपको मैंने, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, ठीक है। अगर आप अभी की बात कर रहे हैं और एक पर्सन की बात कर रहे हैं तो इज़ आएगा। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं और सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं तो वॉज आएगा, है ना। और अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, चाहे वो एक की हो चाहे दो की हो, उसमें तो विल ही आएगा। और अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, तो ए आर ई आर। और पास्ट की बात कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, तो डब्ल्यू ई आर ई वर। ये मैंने कल ही आपको पढ़ाया है, ठीक है। ये आपको दिमाग में बैठ गया होगा क्योंकि हम उसी को लेकर आज ही पूरा सीख रहे हैं। तो ठीक है, पहले मैंने बताया आपको कि सेंटेंस फॉर्मेशन करने के टाइम पे पहले आपको सब्जेक्ट को रखना है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। उसके बाद आपको टेंस रखना है। अगर आप माय मदर, जैसे हम माय मदर को ही पकड़ के चलते हैं, ठीक है। माय मदर इज़ कुकिंग फूड, ये एक सेंटेंस को आप दिमाग में बिठा लीजिए। पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, माय मदर लिखेंगे, मेरी मम्मी, ओके। उसके बाद एक ही पर्सन की बात हो रही है, मम्मी एक ही है, मदर एक ही है। और अभी कुकिंग, मैंने आपको बताया था कि कुक वर्ब होता है, अगर आईएनजी लगा देंगे तो अभी कर रहे हैं वो काम, कुक कर रहे हैं, अभी का प्रेजेंट होता है। तो जाहिर सी बात है इज़ आएगा वहाँ पर, क्योंकि एक पर्सन की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, आप किसी को अभी का बता रहे हो, तो वहाँ इज़ लगेगा, वो टेंस आ गया वहाँ पर, ठीक है। इसको रूल है, ये आप लिख लीजिए प्लीज़। सब्जेक्ट प्लस उसके बाद टेंस आ गया, माई मदर इज़, इतना तो आपने फॉर्म कर लिया, ठीक है। उसके बाद टेंस के बाद आएगा वर्ब प्लस वर्ब। वर्ब क्या है? कुक, खाना बनाना, जो एक्शन वो कर रहे हैं, ठीक है। वर्ब तो रहता ही है सेंटेंस में, तो वर्ब। और उसमें आईएनजी आपको लिखना है बिकॉज आप अभी का बता रहे हो, जो अभी कर रहे हैं, प्रेजेंट का सिचुएशन बता रहे हैं हम। तो कुक एक खाना बनाने का एक्शन हो गया, वर्ब हो गया, और आईएनजी हम यूज़ कर देंगे तो कुकिंग, यानी अभी बना रहे हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट प्लस टेंस प्लस वर्ब, ठीक है। फिर वो क्या कर रहे हैं? खाना बना रहे हैं। माई मदर इज़ कुकिंग, क्या क्या कुक कर रहे हैं? खाना बना रहे हैं, तो फूड, ठीक है। या फिर कुछ और, माई मदर इज़ कुकिंग बिरयानी, माई मदर इज़ कुकिंग रायता, जो भी आपको वहाँ लिखना हो लास्ट में वो वहाँ जाएगा, ठीक है। मैं आपको और ऐसे एग्जांपल्स बताती ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। अगर आप लिख लेंगे तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, ठीक है। अब दूसरा हम आते हैं, पहले हमको सब्जेक्ट रखना है, टेंस रखना है, वर्ब रखना है, फिर आगे वो जिस पर हो रहा है वो चीज़ रखनी है, वो भी आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है। अब हम एक और सेंटेंस लेंगे, वी आर, हम सब गांव जा रहे हैं, ठीक है, हम सब गांव जा रहे हैं। तो इंग्लिश में कैसे आएगा? वी, हम, मैंने आपको कल पढ़ाया था, वी मतलब हम होता है, हम, ठीक है, हम। अब ये है, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, ठीक है, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आर आएगा, क्योंकि आप किसी को ये बोल रहे हो, कोई आपको पूछ रहा है, ऐसे ही मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बोल रहा हूँ, आप कहाँ, आप सब कहाँ जा रहे हो, आप उसको हिंदी में कहोगे हम सब गांव जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको आपको इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश में कोई पूछ रहा है वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू ऑल गोइंग, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, ठीक है। हम सब गाँव जा रहे हैं, तो उसको आपको इंग्लिश में बताना है। पहले तो सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि वी पे बात हो रही है, हम सब पे बात हो रही है, तो वी, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि आप अभी का बता रहे हो कि हम सब गांव जाए, तो प्रेजेंट टेंस आपको वहाँ बताना पड़ेगा। अब ज़्यादा है, वी है, तो वहाँ पे क्या आएगा? आई थिंक आपको, आप खुद वहाँ पे बोल रहे होंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ओके। तो वी आर, ज़्यादा की बात हो रही है और प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो वी आर, मैंने बताया आपको सब्जेक्ट, फिर टेंस, टेंस से आर आ गया, आपको पता चल गया कि ये ज़्यादा लोगों की बात भी हो रही है, प्लस अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की, वी आर। अब आ जाएगा वर्ब, सब्जेक्ट टेंस वर्ब, गोइंग, गो होता है जाना, और अभी जा रहे हैं आप, तो गोइंग, जी ओ आई एन जी, गोइंग, ठीक है। वी आर गोइंग, वी आर गोइंग, कहाँ जा रहे हो? गांव जा रहे हो। टू, जहाँ आप जा, जिस तरह आपको बता रहे हो, तो वो टू आएगा वहाँ पे, ठीक है, ये प्रीपोजिशन आएगा टू। वी आर गोइंग टू द, द आपको पता है आप कहाँ जा रहे हो, द मैंने बताया आपको कि आप स्पेसिफिक, अगर आपको जगह कोई पता हो तो आप वहाँ द यूज़ करेंगे। तो द नेटिव प्लेस, नेटिव हम गांव को कहते हैं, हमारा गांव जहाँ होता है उसे हम नेटिव प्लेस कहते हैं, ठीक है। या फिर विलेज भी बोल सकते हो आप, कॉमन सी विलेज आप लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको बता दें कि नेटिव मतलब जो हम गाँव, जो हम, हमारा जो गाँव होता है उसे हम नेटिव प्लेस कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम, मैं पूरा फ्लेज से आपको बता देती हूँ, वी आर गोइंग टू द विलेज,
या वी आर गोइंग टू टू अवर नेटिव प्लेस. अवर मतलब हमारा, ओ यू आर अवर मतलब हमारे गांव की तरफ हम जा रहे हैं. ठीक है, सब्जेक्ट टेंस वर्ब, फिर वो किस पर वर्ब किस किसके बारे में आप बता रहे हो वर्ब को, वो लास्ट में आएगा. ठीक है, ओके. और दूसरे एग्जांपल्स आपको मैं देती हूँ कि आई विल गो टू द मार्केट टुमारो. आई विल यानी मैं कल मार्केट जाऊँगी, तो सब्जेक्ट आ गया पहले, ओके. उसके बाद में आ गया टेंस, फिर वर्ब. ठीक है, आई सब्जेक्ट, विल फ्यूचर, वर्ब गो कहाँ टू द, मैं आपको बताया ऐसे अभी विलेज का भी दिया, टू द वो टू द विलेज था, अभी टू द मार्केट, टू द मार्केट. और कब जाओगे आप, कल टुमारो. ये सेंटेंस इस तरह से फॉर्म होता है. क्लियर है, आई थिंक सो. आपको इतना थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल गया होगा. बस एक रूल आप दिमाग में बिठा लीजिए, वो रूल ये है, सब्जेक्ट टेंस वर्ब, और फिर वो वर्ब किसके ऊपर बेस्ड है वो आपको लिखना है लास्ट में. ठीक है, ओके. मैं आपसे कल 3 बजे मिलूँगी. ठीक है, मेरी आई विल मीट यू एट 3 PM टुमारो. आई सब्जेक्ट, आई विल कल यानी मिलूँगी फ्यूचर, विल मीट मतलब मिलने को कहते हैं. आई विल मीट, मीट भी एक वर्ब है मिलना. आई विल मीट यू तुमसे, यू एट आपको बताया था मैंने, जब अगर टाइम के बारे में या प्लेस के बारे में हम बताते हैं तो वहाँ पे हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, एटी एट. ओके, तो आई विल मीट यू एट 3 o'clock या 3 PM टुमारो. गॉट इट. आई सब्जेक्ट, विल टेंस, मीट वर्ब, फिर वो कब आप मिल रहे हो उसको लास्ट में आपको वहाँ पे ज्वाइन करना है. इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है. ठीक है, मैं यहीं पे इस ये को स्टॉप करती हूँ ताकि आप इस पर कुछ स्टडी कर सको, आप खुद से कोई सेंटेंस फॉर्म कर सको. कुछ सेंटेंस मैं आपको बोर्ड में दे दूँगी, कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, ज़्यादा दिमाग को प्रेशर नहीं देना है, जितना आप समझ रहे हो उसी पे. ये देखिए, जो रूल मैंने आपको बताया है सिंपल सेंटेंसेस के लिए है. ठीक है, कोई हाई फाई सेंटेंसेस के लिए नहीं है ये रूल. ठीक है, ये स्मॉल जो लाइन्स हम घर में बोलते हैं या बात करते हैं नॉर्मली, उसके लिए रूल आप दिमाग में बिठा लोगे, सब्जेक्ट टेंस वर्ब, और फिर वर्ब किस पर बेस्ड है, मतलब वर्ब आगे का क्या है, वो अगर आप मिल रहे हो तो कहाँ मिल रहे हो, कब मिल रहे हो, आप खाना बना रहे हो तो क्या बना रहे हो, वो लास्ट में जाएगा. ठीक है, उतना आपको क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए. बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको रूल बता दिया है. ओके, और देखिए फ्रेंड्स, दो तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. अब तक का जो आपको मैंने पढ़ाया है वो सिर्फ पॉजिटिव में बताया है. अब नेगेटिव पॉजिटिव आप बोलोगे क्या है मैम. जो देखिए, दो चीज़ें, दो सेंटेंस होती है, एक ना में और एक हाँ में, एक येस में और एक नो में. जितना भी पढ़ाया है, माई मदर इज़ गोइंग टू विलेज, माई मदर इज़ गोइंग टू मार्केट, आई विल मीट यू टुमारो, है ना, ये सारे मैंने हाँ हाँ में किया है. लेकिन मुझे नेगेटिव में भी आपको लेना है, जिसमें नो आएगा, नॉट आएगा, कि मैं कल मार्केट नहीं जाऊंगी, मेरी मदर खाना नहीं बना रही हैं, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी. यानी जो भी हम आगे सेंटेंस करेंगे वो नो और नॉट में करेंगे, वो नेगेटिव में करेंगे, वो भी जानना ज़रूरी है. हम ज़िंदगी भर तो हाँ हाँ में नहीं रह सकते, हमको तो नो में भी जवाब देना है सामने वाले को, तो किस तरह से इंग्लिश में हम उसको जवाब देंगे, सेंटेंस फॉर्म करेंगे, वो भी बहुत ईजी है, क्लियर है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है. आई विल टीच यू एज शहनाज़ अंसारी विल टीच यू, तो डेफिनेटली यू विल गेट इट वेरी नाइसली एंड वेरी ईजीली. ओके, तो आप बोर्ड पे ये लिख लीजिए जो मैं लिख रही हूँ, और ख़ुद से सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए. ठीक है, एज आई ऑलवेज से, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, एंड यू हैव टू डू प्रैक्टिस, आपको करनी है प्रैक्टिस. ठीक है, चलिए फिर बोर्ड का काम कर लेते हैं. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं आपको. पहले तो रूल लिखा है, रूल्स सेंटेंस फॉर्मेशन का, सब्जेक्ट प्लस टेंस प्लस वर्ब. तो पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है सेंटेंस बनाने के लिए, फिर टेंस, फिर वर्ब. ठीक है, तो यहाँ मैं 7 एग्जांपल्स दिए हैं मैंने आपको, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. फर्स्ट है,
हर सिस्टर इज़ स्लीपिंग ऑन द मैट. तो हर सिस्टर यानी हम किसी की बहन के बारे में बात कर रहे हैं, कोई गर्ल है हर, मैंने कहा था उसकी अगर उसकी उसकी हम किसी को बताते हैं कि उसका है ये उसकी है, तो हम गर्ल है तो हर कहेंगे, अगर बॉय है तो हिज कहेंगे. तो हम गर्ल को यहाँ बता रहे हैं उसकी बहन, तो हर सिस्टर वो सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, पहले हमने सब्जेक्ट लिखा है, फिर हम बोल रहे हैं वो अब वो मैट पर, उसकी बहन मैट पर सो रही है, यानी हम अभी का किसी को बता रहे हैं. तो हर सिस्टर इज़ यानी एक प्रेजेंट टेंस हो गया और एक के बारे में बात हो रही है. तो हर सिस्टर इज़ स्लीप वर्ब, पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया, फिर टेंस लिख दिया, फिर स्लीप. स्लीप जो है वो वर्ब होता है, ठीक है, और हमने उसमें ING लिखा है, तो यानी वो अभी सो रही है. तो हर सिस्टर इज़ स्लीपिंग, कहाँ सो रही है? ऑन द मैट, मैट के ऊपर. मैट जो हमारे घर में चटाई होती है उसे हम मैट कहते हैं, तो वो मैट के ऊपर ही सोया जाता है, तो ऑन द मैट. हर सिस्टर इज़ स्लीपिंग ऑन द मैट. ठीक है, ये एक सब एक सेंटेंस मैंने फॉर्म करके बताया. सेकेंड वाला, दे आर लाफिंग वेरी लाउडली. अब वो लोग बहुत ज़ोर से हंस रहे हैं. अभी वो लोग यानी सामने वाले, एक नहीं है, दो नहीं है, ज़्यादा है, सॉरी एक नहीं है, दो तीन ज़्यादा है, तो दे कहेंगे अब उनको. तो दे आर, अभी दे आर क्यों लिखा है? क्योंकि ज़्यादा है तो आर आएगा, और अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो दे आर लाफ, लाफ यानी हंसना, ING मतलब अभी हंस रहे हैं, तो ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट टेंस और वर्ब. दे आर लाफिंग, कैसे हंस रहे हैं? बहुत ज़ोर से, वेरी लाउडली, एडवर्ब हो गया. कैसे हंस रहे हैं? ज़ोर से हंस रहे हैं. तो वर्ब के बाद जो चीज़ बताता है कि वो किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं. ठीक है, तो कैसे हंस रहे हैं? वेरी लाउडली, ज़ोर से हंस रहे हैं. थर्ड, योर डॉग इज़ बार्किंग. अभी सब्जेक्ट क्या है इसमें? डॉग, योर डॉग, तुम्हारा, योर मतलब तुम्हारा, तुम्हारे को हम योर कहते हैं, योर सिस्टर, योर मदर, तुम्हारी मदर, तुम्हारी बहन, योर स्कूल, योर हाउस, ये तुम्हारा घर. ठीक है, तो योर डॉग, तुम्हारा डॉग इज़ बार्किंग, यानी वो अभी बार्क कर रहा है. बार्क मतलब अभी, मतलब वर्ब है ये बार्क, और ING अभी बार्क कर रहा है, डॉग इज़ बार्किंग. एक डॉग है, प्रेजेंट टेंस है, तो इज़ आएगा. फोर, वी विल वॉच मूवी टुमारो. हम कल मूवी देखने जाएंगे, अरे हम कल मूवी देखेंगे. तो वी यानी हम, सब्जेक्ट हो गया. अभी ये फ्यूचर है, तो मैंने आपको बताया यहाँ पे विल आएगा फ्यूचर में, एक हो ज़्यादा हो तो विल ही लगेगा. तो वी विल वॉच, वॉच मतलब देखना होता है, मूवी को देखते हैं तो हम उसे वॉच कहते हैं. ठीक है, अब ये वॉच और घड़ी में प्लीज़ आप कन्फ्यूज़ नहीं होना, वो अलग चीज़ है, वो क्लॉक होता है. वी विल वॉच मूवी, हम क्या देख रहे हैं? मूवी देखेंगे. कब देखेंगे? कल देखेंगे, टुमारो. ओके, तो हम कल मूवी देखेंगे. वी विल वॉच मूवी, यानी विल सब्जेक्ट टेंस विल, और वॉच वर्ब. फिर क्या देखेंगे? मूवी, वो कल. ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे. फिर फिफ्थ, दे वर वेरी एंग्री ऑन मंडे. वो लोग मंडे मंडे को बहुत गुस्सा थे. ठीक है, अभी थे यानी मंडे जो गुजर चुका है उसकी बात हो रही है. दे वर, दे मतलब ज़्यादा लोग हैं, और गुजर चुका है तो जाहिर सी बातें वर लगेगा, आर नहीं लगेगा. आर हम ज़्यादा लोगों के लिए प्रेजेंट में लगाते हैं, वर हम ज़्यादा लोगों के लिए पास्ट में लगाते हैं. तो दे वर वेरी एंग्री, एंग्री वर्ब हो गया, उनका एक्शन एंग्री था, वो एंग्री थे, एक्शन एंग्री है. कब थे? ऑन मंडे. दे वर वेरी एंग्री ऑन मंडे. ठीक है. सिक्स, माय मदर विल अलाउ मी फॉर पार्टी. मेरी मदर मुझे पार्टी के लिए अलाउ कर देंगी, इजाज़त दे देंगी. तो माय मदर, पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर टेंस, फिर वर्ब. तो माय मदर विल यानी फ्यूचर में विल. ठीक है, अलाउ यानी वर्ब हो गया, इजाज़त देना. मी मुझे, पार्टी के लिए. माय मदर विल अलाउ मी फॉर पार्टी. ओके. सेवेंथ, वी आर गोइंग टू अवर नेटिव प्लेस. वी मतलब हम, यानी अभी हम जा रहे हैं, आर ज़्यादा के लिए हो गया, गो वर्ब होता है, ING अभी जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू अवर, टू अवर मतलब OUR, अवर मतलब हमारा. ठीक है, हमारा, जैसे कोई चीज़ हमारी होती तो हम हमारा कहते हैं. हम वी होता है और हमारा अवर होता है, OUR, अवर चाहिए तो आप यहाँ पे एक छोटा सा लिख लीजिए. जैसे दिस इज़ अवर हाउस, ये हमारा घर है. दिस इज़ अवर बुक, ये हमारी बुक है. दिस इज़ अवर स्कूल, ये हमारी स्कूल है. ठीक है, उसी तरह से अवर नेटिव प्लेस या अवर विलेज. वी आर गोइंग टू अवर विलेज लिख दीजिए यहाँ पे, नेटिव प्लेस. ठीक है, तो फ्रेंड्स, आई थिंक, आई होप आपको अच्छी तरह से थोड़ा बहुत ही सही सेंटेंस फॉर्मेशन समझ में आया होगा. आप इसको प्लीज़ नोट डाउन कीजिए और अपने तरीके से छोटे मोटे सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए. ओके, दैट्स इट.
तो वो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है, होप है कि जो मेरे स्टूडेंट वहाँ बाहर बैठे हैं उन लोगों को आज का टॉपिक बहुत क्लियर होगा। मैंने बहुत दिन से बोलते आ रही थी कि हम सेंटेंस फॉर्म करेंगे, सेंटेंस फॉर्म करेंगे, तो मुझे ऐसा लगा था मैं कब वो टॉपिक स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको मैंने पढ़ाया है वो पहले क्लियर करना था, क्योंकि उसी को लेकर हम सेंटेंस बनाएंगे। आई होप कि आपको आज का टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ मैम, हम समझ रहे हैं या हम समझ चुके हैं, ठीक है। कि कमेंट में सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी तारीफ़ की जाती है, पर कोई ये नहीं लिखता कि मैम हमें समझ रहा है, हम कुछ सीख रहे हैं, हमको आ रहा है। क्योंकि वो अगर मैं देख लूँगी तो मुझे मेरी तारीफ़ से भी ज़्यादा मुझे वो पढ़कर खुशी होगी जो अगर आप लिखोगे कि हम समझ रहे हैं और हमको बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश सीख रहे हैं, हमको आ रहा है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत से अभी लोग हैं जिनको शायद मेरे चैनल के बारे में पता नहीं है, बिकॉज सब्सक्राइबर वहीं के वहीं अटके हैं, बढ़ नहीं रहे। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बढ़ जाएंगे कब, लेकिन जब आप अगर ज्वाइंट होते हो तो ये शेयर करते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ही इंफॉर्मेटिव मेरा वीडियोस है, कि इतनी डीपली और इतनी बारीकी से शायद ही मतलब होंगे, मैं ये नहीं कहती, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मेरे वीडियोस हैं वे बहुत से लोगों को यूज़फुल होगा जो बहुत ही लो इंग्लिश जानते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप उनको ही सही, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स को आप ये मेरा वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और उनको भी ये छोटी छोटी चीज़ें ईजीली आ सके, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी अच्छे अच्छे दीजिए, ठीक है। तो ठीक है, फिर आज के लिए यहीं पे, मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो में। बाय।